हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे तुर्किश लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेले जाएगी यहाँ से अलान्यास्पर और येनी मलाट्यास्पर के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर है जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग नए हो और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो क्रिकेट पॉड। जैसे ही आप क्रिकेट पॉड लिखोगे इस तरह लोग दिखाई देगी जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो गाइस यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों की क्या रहती है पॉइंट टेबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों टीमों की क्या रहेगी पॉइंट टेबल। तो गाइस हम आ चुके हैं जो तुर्किश लीग का जो पॉइंट टेबल, वहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से जो अलान्यास्पर है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, वहीं पर बात करते हैं यानी मलाट्यास्पर के बीच में ये नाइन्थ पोजीशन पर है। तो अलान्यास्पर ने 13 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 8 मुकाबले विन किए हैं, 2 ड्रॉ खेले हैं, 3 लॉस किए हैं, 22 गोल करें प्लस 8 गोल कंसीड कर चुकी है। तो 13 मैच में 22 गोल करना दिखाता है कि इसका अटैक काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन 13 मैच में 8 गोल कंसीड किए हैं तो डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है फिलहाल। तो वहीं पर बात करते हैं इसने 13 मैच में 22 गोल करे हैं, तो गाइस यहाँ से 1.8 गोल पर मैच स्कोर करती है प्रत्येक मैच में। तो वहीं पर बात कर जो इसका डिफेंस है, 13 मैच में इसने 8 गोल कंसीड किए हैं तो कहीं ना कहीं, और जिसमें से 2 गोल इसने पेनल्टी में लिए खाए हैं, तो मान सकते हो कि आप 2 मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है, यानी 0.6 गोल पर मैच कंसीड भी कर देती है। तो गाइस वहाँ पर बात करते हैं जो सेकेंड टीम है यहाँ से यानी मलाट्यास्पर के बीच में, इसने 9th पोजीशन पर है, वहीं पर बात कर 12 मैच खेले हैं, 5 मुकाबले विन किए हैं, 4 मुकाबले ड्रॉ, 3 मुकाबले के लॉस, 16 गोल करे हैं प्लस 13 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो 12 मैच में 16 गोल करना तो दिखाता है कि अटैक इसका एवरेज है। वहीं पर बात कर 12 मैच में 13 गोल कंसीड कर चुके हैं तो डिफेंस इसका अच्छा है, मतलब प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड करता है। 12 मैच में 16 गोल करना, आप मान सकते हो कि 1.4 गोल पर मैच स्कोर कर देती है प्रत्येक मैच में। वहीं पर बात करें डिफेंस की, 12 मैच में 13 गोल कंसीड कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं 1.1 गोल पर मैच कंसीड भी कर देती है। तो यहाँ से स्कोर लाइन पॉइंट टेबल देखने के बाद यहाँ से मिलता है 2 गोल फॉर अनालास्पर, और ये यानी मलाट्यास्पर है जो इसने इसका सही है गोल प्लस असिस्ट कंसीड करने का, लेकिन फिलहाल के लिए इसको 0 मान के चलते हैं ना। आप यहाँ से 2-1 को भी जो रिजल्ट रहेगा इन दोनों टीमों का स्कोर लाइन वो देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं जब ये दोनों टीम अपने होम ग्राउंड में और अवे ग्राउंड में खेलते हैं तो क्या प्रदर्शन रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं होम ग्राउंड, होम मैच होने वाले यहाँ से, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ यहाँ से अलान्यास्पर के बीच में ये अलान्यास्पर का होम ग्राउंड मैच होगा। तो यहाँ से अलान्यास्पर ने 6 मैच खेले अपने होम ग्राउंड में जिसमें 5 मुकाबले विन किए हैं, 1 मुकाबले ड्रॉ खेला है और 14 गोल करे हैं प्लस 2 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो 6 मैच में 14 गोल करना तो अटैक इसका डबल हो जाता है अपने होम ग्राउंड में, तो आप मान सकते हो 2.1 गोल पर मैच स्कोर कर देती है अपने होम ग्राउंड में। वहीं पर बात करें 6 मैच में से 2 ही गोल कंसीड किए हैं तो क्या दिखाता गाइस यहाँ से 0.2 गोल पर मैच कंसीड कर देती है पर मैच में। आप मान सकते हो कि होम ग्राउंड में ये अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है और कहीं ना कहीं इस मैच में क्लीन चिट आने के चांस हैं, बट कन्फर्म नहीं है। वहीं पर बात करें जब ये अवे में खेलती है सेकेंड टीम, तो इसके बारे में जो यहाँ से मलाट्यास्पर है अपने अवे में क्या प्रदर्शन दिखाती है, यहाँ पर बात करें इसने 6 खेले अवे में जिसमें से 1 मुकाबला मतलब विन किया है, 2 मुकाबले ड्रॉ खेले, 3 मुकाबले के लॉस, 7 गोल करें प्लस 10 गोल कंसीड कर चुके हैं। 6 मैच में 7 गोल करना ऑन इंडिज 1 गोल पर मैच स्कोर कर देती, लेकिन 6 मैच में इसका डिफेंस 10 गोल कंसीड कर चुका है। तो क्या दिखाता है यहाँ से गाइस दिखाता है 1.3 गोल पर मैच कंसीड कर देता है। तो स्कोर लाइन प्रेडिक्टर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 2 गोल फॉर अनालास्पर, 0 गोल फॉर यहाँ से मलाट्यास्पर। तो अब बात करते हैं जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैच खेले हैं तो क्या प्रदर्शन रहा है इन दोनों टीमों का। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो गाइस यहाँ से अलान्यास्पर ने अपने 5 मुकाबले खेले हैं हेड टू हेड में जिसमें से 2 मुकाबले विन किए हैं और 2 ही मुकाबले ड्रॉ खेले हैं, अभी तक 1 ही लॉस किया है। 1.2 गोल पर मैच स्कोर करते हैं प्रत्येक मैच में जब ये हेड टू हेड खेलते, लेकिन 1.1 गोल पर मैच कंसीड भी कर देती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो पिछला मुकाबला अलान्यास्पर 2-1 से विन करके आ रही है,
और मतलब हेड टू हेड में, और फिर उससे पिछले मुकाबले 3-2 से विन करके आ रही है मतलब, और फिर यहाँ से 1-1 से ड्रॉ खेला था, और फिर यहाँ से यानी मलाटियास पर विन कर गई थी 2018 में 1-0 से, और फिर यहाँ से इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था तो 0-0 पर फिनिश हुआ था। तो गाइस जब बात करते हैं जो अलान यास्पर के जो रीसेंट फॉर्म है उसके बारे में, तो अलान यास्पर ने अपने पिछले 6 मैच में से 3 मुकाबले विन किए हैं, अभी तक कोई ड्रॉ नहीं खेला, सीधे साथ 3 ही मुकाबले लॉस किए हैं, लेकिन इसने 1.5 गोल पर मैच स्कोर किया है और 1 गोल पर मैच कंसीड किया है जो रिसेंट फॉर्म है। रिसेंट फॉर्म इसका काफ़ी गंदा चल रहा है। पिछला मुकाबला अपना ये डेनिज लाइस्पर से 1-0 से लॉस कर गई थी। डेनिज लाइस्पर बॉटम टीम है गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ, और यहाँ से उससे पिछला मुकाबला अपना ये 5-1 से विन करके आई, उससे पिछले मुकाबला 2-1 से विन, फिर 1-0 से लॉस, फिर यहाँ से 2-0 से लॉस, मतलब 2-1 से लॉस, फिर यहाँ से 1-0 से विन। तो इसका रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। वहीं पर बात करें जो मलाट यास्पर है उसके जो रिसेंट फॉर्म उसके बारे में, मलाट यास्पर ने अपने पिछले 6 मैच में से 4 मुकाबले विन किए हैं, 2 मुकाबले के लिए ड्रॉ, अभी तक कोई लॉस नहीं किया, 2.5 गोल पर मैच स्कोर करी, जो इसका डिफेंस अब सुधर चुका मतलब अटैक काफ़ी बेहतर हो रहा है, और डिफेंस भी देख सकते हो 0.5 गोल कंसीड किए हैं, तो 2 मैच में 1 गोल कंसीड किया। इसका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो अलान यास्पर है वो टीम एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग है इससे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी समोली की टीम बना सकते हो, और चाहे तो, और पिछला मुकाबला 2-0 से विन करके आ रही है, उससे पिछले मुकाबला 5-0 से विन किया था, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 3-0 से विन किया था, पिछले 3 मैच में से अभी तक इसने 1 भी गोल कंसीड नहीं किया क्लियर, और यहाँ उससे पिछले मुकाबला 1-1 से ड्रॉ, उससे पिछले मुकाबला 2-2 से ड्रॉ, उससे पिछले मुकाबले इसने 2-0 से विन। तो गाइस पिछले 4 मैच देख सकते हो आप, वन साइडेड क्लीन स्वीप रखा है, और अगर जिसमें इसने क्लीन स्वीप भी नहीं रखा तो कंटिन्यू गोल जितनी दूसरी टीम ने किए उतने ही गोल इसने किए हैं। तो जो रिसेंट फॉर्म है ना वो इसका बेहतर है मलाट यास्पर का, और जो जो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और जो पॉइंट्स टेबल कहता है वो कहता है अनाल यास्पर के। तो गाइज अपने खुद की एक टीम बनाना, और जो आपका मन करे दिल करे हाँ कौन सी टीम इस मैच में जीतेगी, लेकिन मैं फिलहाल बैक कर रहा हूँ यहाँ से अलान यास्पर को। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ से इन दोनों टीम को प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने अभी तक कितने गोल किए हैं सीजन में और कितने असिस्ट किए हैं इन दोनों टीमों की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलान यास्पर के प्लेयर्स के बारे में, तो देख लेते हैं इनके प्लेयर्स के गोल। तो गाइज अलान यास्पर के जो प्लेयर्स हैं, डेविडसन जो कि इसने 6 गोल किए अपनी टीम तरफ से, और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, तो गाइज इसका ड्रीम इलेवन सलेक्शन मात्र 14% है, उससे यहाँ से बाका सेटास ने 4 गोल किए हैं, यहाँ से बरेरा ने 3 गोल किए हैं, और यहाँ से बाबा कर ने 2-3 गोल किए हैं, और यहाँ से कोयल कर ने 2 गोल किए हैं, बाकी सभी ने 1-1 गोल किया, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो गाइज इस टीम तरफ से जो सबसे ज़्यादा असिस्ट किए उस प्लेयर के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो गाइज इस टीम तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्ट यहाँ से इफकेन करा का 3 असिस्ट कर चुका है, और बाका सेटास 2 असिस्ट कर चुका है, और डेविडसन 1 असिस्ट किया, बाकी सभी ने 1-1 असिस्ट किया, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइज अब बात करते हैं जो यानी मलाट यास्पर के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए और कितने असिस्ट किए, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं मलाट यास्पर के प्लेयर्स के बारे में, यहाँ से एडम बुयुक 6 गोल कर चुके हैं, और यहाँ से कानाट सी कुछ 2 गोल कर चुके हैं, यहाँ सीमी काया 1 गोल कर चुका है, बाकी सभी ने 1-1 गोल किया, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइज अब बात करते हैं इस टीम तरफ से जो सबसे ज़्यादा असिस्ट किए हैं उस प्लेयर्स के बारे में, तो गाइज इस टीम तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्ट यहाँ से करीम हाफिज ने 3 असिस्ट किए हैं, और यहाँ से बेंजामिन टेटे ने 2 असिस्ट किए हैं, और यहाँ से कोबी ले 1 असिस्ट, बाकी सभी ने 1-1 असिस्ट किया, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइज अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट फॉर्म, अकॉर्डिंग टू प्लेयर स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू हेड टू हेड रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू दोनों टीमों के पॉइंट टेबल देखने के बाद क्या रहती है हमारी इस मैच में समोली के लिए ड्रीम इलेवन पर टीम। तो चलिए देख लेते हैं क्या रहेगी इस मैच में हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। तो सबसे पहले देख, तो गाइज हम यहाँ से फिलहाल के लिए पिक किए हैं बाका सेटास को, और यहाँ से बाबा कर को, और हम यहाँ से पिक किया है कोनाट सी कुज को, जो कि अपनी टीम तरफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल टेकर है। तो यहाँ से बिटेटे को पिक कर लेना, बरेरा को पिक कर सकते हो आप, और यहाँ से गाइज हम फिलहाल पिक किए एडम बयूक को, और आप मैंने यहाँ से किया डेविडसन को, जो अपनी टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर, इसका सलेक्शन मात्र 18% है। वहीं पर बात की हमने पिक किया अपने यहाँ से कराका को, और यहाँ से हम गाइज बात करें डिफेंडर में से, यहाँ में से हम
जॉन फरान जूनियर को किया है, और यहाँ से मोबाइल जे को किया है, और यहाँ से हम पिक किया है एक्सोई को, और गाइज हम यहाँ से पिक किया करीम हाफिज को। तो गाइज यहाँ से गोल कीपर हम यहाँ से उजबिर को पिक किया। आप यहाँ से चाहे तो मारा फोना को पिक कर लेना। गाइज अगर इस मैच में हमारी कोई भी चेंजिंग होगी प्लेयर में तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए कैप्टन यहाँ से डेविडसन को बना के चल रहा हूँ, वाइस कैप्टन मतलब फिलहाल के लिए यहाँ से कॉमन बना के चलते हैं, मतलब जैसे सब बना रहे हैं उसी का अकॉर्डिंग। तो हम अपनी टीम यहाँ से इस तरह होगी, अगर इसमें कोई भी चेंजिंग होगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलना, क्योंकि इस टीम से फाइनल अपडेट ना आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फाइनल टीम भी और प्लेयर पोजीशन का अकॉर्डिंग, कौन से प्लेयर कौन से पोजीशन खेलेगा उसका अकॉर्डिंग आपको हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन कंप्लीटेड ड्रीम इलेवन टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगे तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई ये करो, करना ही है आपको। अगर आपको ऐसा लगा होगा कि हमारी वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रही है और आप लोगों को हमारा चैनल कुछ अच्छा करके दे सकता है, तो यू कैन ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब एंड लाइक डिसलाइक यू कैन मतलब आपके साथ है और कुछ नहीं आप कर सकते हो, बट मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फाइनल प्रीव्यू मैंने आपको दिखा दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन बारे में बात कर दूँगा आपको। फाइनल टीम जब मैं टेलीग्राम पे दूंगा तो वहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन कंप्लीटेड ड्रीम इलेवन टीम मिलती रहेगी, एज अकॉर्डिंग टू मैंने पहले बोला अपनी टीम में हमेशा प्लेयर की पोजीशन देखने के बाद ही बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधे टेलीग्राम पर।